बहुत उसमें स्वागत है आपका। मैं सरदार विजयपुर शहर में फिर से वही काला धंधा, जो घास का काला धंधा हर गली गली चौराहे पर अब विजयपुर शहर में चप्पा चप्पा, जहां पर देखो वहां पर पहले तो 60 से 70 ऐसे गैर कानूनी घास के धंधों के दुकानें हुआ करते थे, मगर 100 के करार 100 के करीब आ गए, अब 200 पूरे पार हो गए। अब खुले आम ना इनको कोई इजाजत थी सरकारी, ना परमिशन है और ना कोई किसी की इजाजत है, तो भी है अब किसी के कहते हैं बसंत बड़ा पाटिल इतना बीजेपी के एमएलए, कुछ लोग उनके नाम पर एक घास का काला धंधा चलाते हैं और कुछ लोग मंत्री गंभीर पाटिल कांग्रेस के जाने माने नेता उनके भी नाम पर एक काले धंधे अब चलने लग गए हैं। कुछ लोग अधिकारियों के नाम पर बलबूते पर जो भी अधिकारी है आप घास के धंधे वाले सीधा सीधा साथ सीधा ये कहते हैं ताकि अधिकारी सब अपने जेब में है। आखिर कितने अधिकारियों को इन्होंने जेब में डालकर रखा है इन काले धंधे घास वालों ने, अब तो ना जाने कई बार एपिसोड में हमने बता चुके हैं और कई संगठनों ने इसके विरोध भी कर चुके हैं। इसके विरोध के बावजूद भी ना कोई संबंधित अधिकारी इन पर कानून कार्रवाई किया और ना इन पर कोई एफआईआर दर्ज हो गया, अब तो ना कोई एफआईआर हो गया है ना फिर इन पर कानूनी कार्रवाई हो गया है, क्योंकि बड़े बड़े लीडरों के नाम लेकर आज इन्होंने जो भी काले धंधे चला रहे हैं ताकि बीजेपी के एमएलए बसंत बड़ा पाटिल एतार का भी नाम प्रस्ताव हो रहा है ताकि उन्हीं के नाम पर ये काला धंधा चला रहे हैं। दूसरा मंत्री कांग्रेस के जाने माने जो नेता है एमबी पाटिल उनके भी नाम पर ये काला धंधा शुरू कर दिए, अब तो ऐसा हो गया है इन काले धंधों में क्या शायद इनके नाम पर क्या झूठी हवा कर रहे हैं इस काले धंधे वाले, क्या इसके पीछे क्या अधिकारियों की साजिश है, क्या अधिकारी इसमें शामिल है, क्या अधिकारियों को क्या महीना महीना जो मंथली दे रहे हैं, क्या आखिर क्या वजह होगा जो इस तरह खुले आम काला धंधा घासों का चलने लग गया है विजयपुर शहर में। 200 करीब थे, 200 पूरे पार हो गए हैं, ऐसा कोई विजयपुर में जो जगह नहीं है जो काला धंधा वहां पर नहीं चल रहा है। बस स्टैंड के करीब हमने आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बस स्टैंड के करीब सीधे सीधे घास के टाकी पर लिखा हुआ है ताकि केजी 75 रुपए को 1 केजी घास मिल जाएगा, तो सोचो खुले आम ऐसे घास पर लिखकर यहाँ पर रखते हैं तो सोचो कितना डर उड़ गया है कानून का और रखवाले भी कितने कमजोर हो गए हैं, ताकि अब यहाँ पर बस स्टैंड के करीब भी तो इस तरह घास पर लिखकर रखते हैं तो सोचो तो अब आते दिनों में क्या ये सीधे सीधे दुकान का नाम लगाकर ही बोर्ड लगाकर इन घास के काले धंधों का क्या व्यापार शुरू हो जाएगा, इन घास के पेट्रोल पंप क्या बिल्कुल ही सिर्फ टैक्स के लिए ही रह जाएंगे या फिर सिर्फ नाम के लिए ही इनका घास का धंधा यानी के चल जाएगा, ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं। ताकि इससे पहले भी भीम सरकार संगठन ने भी इसको विरोध किया है और जय जवान जय किसान संगठन भी, ऐसे बहुत सारे संगठन ने इस काले धंधों के लिए विरोध प्रदर्शन भी किया है, मगर कोई भी अब तक इनके विरोध प्रदर्शन के अब तक कोई भी फर्क नहीं पड़ा, मगर बिकाव के लिए कुछ संबंधित अधिकारी रेड के लिए जाते हैं मगर सुबह जाते हैं मगर शाम को ये काला धंधा फिर से शुरू होता है, तो ऐसे काले धंधे तो इसी तरह चलने लग गए तो आखिर रोक लाएगा कौन, यानी कि अब यहाँ पर कुछ यहाँ वहां पर बातें होते हैं, अब विजयपुर शहर में ऐसे काले धंधों का कारोबार अगर बंद करते हैं तो श्री बसंत बड़ा पाटिल अचानक बीजेपी के एमएलए और दूसरे है अब यहाँ पर नेता मंत्री एमबी पाटिल अगर ये चाहेंगे तो ये गैस का धंधा बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, ताकि इन्हीं के डायरेक्शन पर अधिकारी आ जाते हैं तो आखिर रेड क्यों नहीं कर रहे, ये गैस का काला धंधा क्यों नहीं बंद हो पा रहा, आखिर इतने खुले आम चलते हैं तो आखिर इसमें कितने अधिकारी मिले जुले हुए हैं, आखिर क्या नेता भी इसके पीछे क्या उनकी भी कुछ ताकत लगाए हुए हैं ताकि इसलिए ये काला धंधा खुले आम चलने लग गया है। ऐसे ही विजयपुर शहर में स्कूल के बाजू में और पुलिस स्टेशन के बाजू, रेलवे स्टेशन बाजू, हॉस्पिटलों के बाजू, जहां पर आजू बाजू में देखेंगे
वहाँ पर काले धंधों का कारोबार बिल्कुल ही खुले आम चलते रहता है। अब तो यहाँ पर बसंत बड़ा पाटिल जत्ता बीजेपी के एमएलए का ऐसा नाम है ताकि इन्होंने अगर कुछ सोच लिया इन काले धंधे भी बंद हो जाएंगे। अगर कोई हादसा होने से पहले भी ये सब अगर किसी की जान चली जाएगी वो भी बच जाएगी। ना जाने कब ये ब्लास्ट हो जाएगा, कब शहर में हंगामा मच जाएगा, ये तो आने वाले वक्त ही बता सकता है। क्योंकि अधिकारी जानकर भी अनजाने हो गया है, कानून इतना अंधा भैरा हो गया है ताकि कोई भी अधिकारी इन पर कानून कार्रवाई बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा। आखिर अब तो उनके नाम पर एक काला धंधा चलने लग गया है और कुछ अधिकारियों का नाम पर एक काला धंधा चलने लग गया है। क्या बसंत बड़ा पाटिल कथनार और एमबी पाटिल क्या इसे रोक डालेंगे या फिर विजयपुर शहर में ऐसे हादसों के शिकारों का क्या तमाशा देखते रहेंगे। इससे पहले भी हादसा हो गया है मगर उसका अंजाम कुछ अलग ही मिल गया है। ताकि ऐसे होने लग गए ताकि विजयपुर शहर में काले धंधों का कुछ धंधा बिल्कुल ही कमी नहीं है। क्योंकि अब ऐसा हो गया है काले धंधों का, अब यहाँ पर बड़े बड़े अफसर आ जाते हैं मगर कुछ दिन के बाद ट्रांसफर हो जाते हैं, ताकि इसलिए वो ईमानदार अफसर है ताकि इसलिए विजयपुर शहर में बिल्कुल ही नहीं टिक पाते। अगर कोई रिश्वतखोर हो तो कहीं साल भर विजयपुर शहर में टिक जाते हैं। तो अब यहाँ पर बच गया है और कुछ उम्मीद विजयपुर शहर में रह गई है तो बसंत बड़ा पाटिल कथना दूसरे नेता एमबी पाटिल। अब यहाँ पर क्या ये ध्यान धंधा ऐसे खुले राम जैसे हमें स्क्रीन पर तो बता रहे हैं, ताकि यहाँ पर ट्रैफिक जाने वाले आने वाले रास्तों पे ही गैस पर लिखकर 75 रुपए तेजी सीधे सीधे लिखकर इस तरह धंधा करने लग गए तो आखिर अधिकारी क्या सो रहे हैं या फिर क्या अधिकारियों को क्या महीना महीना मंथली पहुंच रहा है, ताकि इसलिए ना क्या पर झापा मार रहे हैं और ना पर वहां पर रेड हो रहा है और नेता भी कुछ कर नहीं पा रहे ताकि नेताओं के नाम पर ऐसे काले धंधे विजयपुर शहर में बिल्कुल ही खुले आम चलने लग गया है। देखेंगे अगले एपिसोड में ताकि इन काले धंधों पर क्या ये रोक लाएंगे या फिर से वही संगठन क्या रोड पर आकर क्या इनके लोग क्या आंदोलन करेंगे। देखेंगे एक रिपोर्ट में।